सीढ़ी है, ये माना जाता है सीढ़ी है राजनीति की, मगर ये असल में छात्रों के लिए, ये बाहर नेतागिरी करने के लिए नहीं है। आपको चुनते हैं छात्र उनके लिए, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम छात्रों के लिए काम करें, ना कि बाहर नेताओं के लिए। इस समय हम हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और गवर्नमेंट कॉलेज के प्रत्याशी यानी कि गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के प्रत्याशी संयुक्त मोर्चा से जो खड़े हुए हैं विनराज सिंह, वो हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। विनराज, सबसे पहले तो आप आज नामांकन दाखिल करके आए हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। विनय, ये बताइए कि आपका क्या विजन रहेगा छात्रों के लिए, छात्रों की समस्याओं के लिए? सर, इस बार विजन भी अलग होगा और रास्ते भी अलग होंगे और तरीके भी अलग होंगे। हम लोग केवल नेतागिरी करने के लिए हमने हमारा नामांकन नहीं दिया है आज, हमने आज नामांकन दिया है बदलाव लाने के लिए। मतलब बदलाव इन द सेंस कि जनरली हमने यही देखते हैं आजकल कि लोग बाग वादे करते हैं, छात्र नेता वादे करते हैं, उन वादों पे खड़े नहीं उतरते, वो नेतागिरी की लाइन में जाते हैं। मतलब वो देखते हैं कि ये छात्र संघ, एक तो ये सीढ़ी है, ये माना जाता है सीढ़ी है राजनीति की, मगर ये असल में छात्रों के लिए, ये बाहर नेतागिरी करने के लिए नहीं है। आपको चुनते हैं छात्र उनके लिए, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम छात्रों के लिए काम करें, ना कि बाहर नेताओं के लिए। तो हम इसलिए हमने नामांकन दाखिल करा है, हम आज ये संकल्प लेते हैं, मेरा पूरा पैनल ये संकल्प लेता है कि हम छात्र हितों के लिए ही काम करेंगे और छात्र हितों में जो भी मुद्दे होंगे हम उन्हें जोर शोर से उठाएंगे और हमेशा छात्र हितों में तत्पर रहेंगे। ठीक है, आपने छात्र हितों के तत्पर रहने की बात की। ऐसी कोई समस्या जिससे कॉलेज काफी टाइम से जूझ रहा हो और अब आप चाहते हो कि नहीं, अब अगर मुझे मौका मिलता है तो ये समस्या का समाधान सबसे पहले होगा? सर, दो सबसे बड़ी समस्याएं ये है कि हमारे टॉयलेट सही ढंग से नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे उसको अत्याधुनिक बनाने की। और हमारी दूसरी चीज है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी एक साइंस के स्टूडेंट को जनरली चाहिए होती है किताबें, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो हम हमारी लाइब्रेरी को वेल बुक से ऑक्यूपाइड कर रखना चाहेंगे, जिससे बच्चे जो चाहें वो बुक वहाँ से पढ़ सके और उसे भी अत्याधुनिक बनवाना चाहेंगे। तो ये थे हमारे साथ विनराज सिंह। विनराज सिंह के साथ ही इनके उपाध्यक्ष और महासचिव पद के जो प्रत्याशी हैं, आप भी अपना परिचय दीजिए और अपना विजन बताइए। मैं अविनाश मालव छात्र संघ उपाध्यक्ष के लिए विधायक विनराज सिंह जी के पैदल पर शहीद मोर्चा की तरफ से खड़ा हूँ। इनके लिए हम विनराज सिंह जी बहुत अच्छे अध्यक्ष के लिए खड़े हुए हैं, तो हम इनका पूरा पैनल पूरी अच्छी तरह से मेहनत करेंगे, जिससे कि हम कॉलेज में अच्छे अच्छे काम करा सकते हैं। कि हमने देखा है कि कॉलेज में बहुत से काम अभी अटके पड़े हुए हैं, जो भाई विनराज सिंह जी करा सकते हैं, क्योंकि 2 साल की इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। जो इस बार अगर जीते हैं तो पूरा मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ उसको पूरा करेंगे। मेरा नाम दुर्गेश कुमार मीणा है, मैं महासचिव के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं विनराज सिंह जी की टीम से चुनाव लड़ रहा हूँ और विनराज सिंह जी ने आज तक अभी प्रेसिडेंट के सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें भी उन्होंने इतना काम करा दिया गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कि प्रेसिडेंट नहीं करा सकता। और यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफ़ी गड़बड़ थी, पर हमारे जो अध्यक्ष के लिए विनराज सिंह जी लड़ रहे हैं चुनाव, उन्होंने काफ़ी हद तक इन समस्याओं का निराकरण कर दिया है और प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो वह कॉलेज को बदल के रख देंगे। विनराज जी, ये चीज़ बताइए कि आप छात्र राजनीति में आए, बिल्कुल बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है और वो शुरुआत हमें करनी पड़ती है, आप एक यूथ हैं, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, ये प्रेरणा मुझे मेरे माता पिता और स्टूडेंट से मिली। मैं भी कोई राजनीति करने इस कॉलेज में नहीं आया था, मैं भी पढ़ने ही आया था और मैं एक स्टूडेंट की तरह ही था। स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं पढ़ाई करता था, मेरा ध्यान पढ़ाई में ही रहता था, मैं ये नेतागिरी ये सब नहीं देखता था। बट जब हमने चीज़ें देखी, हम हमारी मांगों को लेकर गए, तो हमें यही फेस करना पड़ा। छात्र संघ पे ताला लगा रहता था, छात्र संघ वाले हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहते थे, तो हमने ये संकल्प, मैंने उस दिन से ही ये संकल्प लिया कि मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ूंगा और छात्र संघ अध्यक्ष बनके छात्रों के लिए हमेशा रेडी रहूंगा।